फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी सिर्फ चार चीजों से ये चना दाल का हलवा। तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर एक कटोरी चने की दाल। आप चने की दाल की जगह यहाँ पर मूंग दाल भी ले सकते हैं। तो अब हम लेंगे एक बड़ा बाउल, इसमें हम सारी दाल को डाल देते हैं। तो अब हम दाल को दो से तीन बार अच्छे से पानी से धो लेते हैं, जिससे कि इसमें कोई भी गंदगी होगी वो इसमें से निकल जाएगी। तो मैंने दाल को अच्छे से दो से तीन बार तक धो लिया है। हमें दाल को भिगोना नहीं है, सिर्फ हमें नॉर्मल पानी से इसको धोना है। तो अभी हम इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं, जिससे कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो इसमें से निकल जाएगा। सो सिर्फ दो मिनट ही हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे हम दो चम्मच घी। तो मैंने यहाँ पर दो चम्मच घी डाल दिया है। घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। तो घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और जो मैंने चने दाल को धोया था उसमें से पानी भी सारा ड्रेन हो चुका है। अब हम इसको भी इसमें डाल देंगे। अब हम दाल को अच्छे से घी में मिक्स कर देते हैं। अब हमें दाल को जब तक भूनना है, जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन की ना हो जाए, बिल्कुल अच्छे से गोल्डन करना है। इसमें कोई भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे। इसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ तीन से चार में ये अच्छे से भून के तैयार हो जाएंगे। तो लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये तले में चिपके ना और जले ना। ये देखिए, यहाँ पर दाल को भूनते हुए मुझे टोटल तीन से चार मिनट हो चुके हैं और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से इसमें क्रिस्पनेस आ रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो दाल है काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। बिल्कुल हमें दाल को इस तरह से क्रिस्पी कर लेना है, इस तरह से इसमें आवाज़ें आनी चाहिए। तो अब हम ये सारी दाल को इसमें से निकाल देते हैं। तो मैंने इसमें से सारी दाल को निकाल दिया है। तो अभी हम दाल को रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। और इधर देखिए, जो मैंने इसमें घी लिया था ना, उसमें से सिर्फ आधी चम्मच ही घी का इसमें यूज हुआ है। बाकी का डेढ़ चम्मच घी इसमें अच्छे से बच गया है। बहुत ही कम घी का इसमें यूज होता है। तो अभी हम दाल को अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो जो मैंने दाल को ठंडा होने के लिए रखा था वो काफ़ी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही हम इसको यूज करेंगे। तो अब हम लेंगे एक इस तरह का मिक्सी का जार और इसमें हम ये अपनी सारी दाल को डाल देंगे। तो मैंने दाल को डाल दिया है। अब हम जार का ढक्कन बंद कर देते हैं और अच्छे से हम इसका एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं इसका पाउडर बना लिया है। ये देखिए, हल्का सा दरदरा सा है, बिल्कुल ऐसा ही हमें इसका पाउडर बना के तैयार करना है। तो अब हम चलते हैं फिर से गैस की तरफ और इधर जो कढ़ाई में घी बचा हुआ था उसी में हम एक चम्मच घी और डाल देंगे और अब हम इसमें ये दाल के पाउडर को डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से इसमें मिला देते हैं। हमें इसमें इस टाइम पे इतना ही घी डालना है कि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो ये मैंने अच्छे से घी में इसको मिक्स कर लिया है। घी में मिक्स करने के बाद इसको हमें अब रोस्ट नहीं करना है, यानी कि भूनना नहीं है, क्योंकि दाल को मैंने पहले ही अच्छे से भून लिया था। तो अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो अब हमने जितनी चना की दाल ली थी उसी कटोरी से हम इसमें उसका डबल दूध डालेंगे। तो ये उसी के साइज का कप है ये, तो मैं इसमें दो कप डालूंगी। पहले हम यहाँ पर एक कप डाल देते हैं, उसको अच्छे से इसमें मिला देते हैं। तो जैसे ही हम इसमें दूध डालेंगे, जो इसमें ये दाल है वो सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगी। ये देखिए, सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अभी हम इसमें एक कप दूध और डाल देंगे। तो अब हम इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे इसमें। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और ये काफ़ी थिक भी हो गया है। तो अब मैंने ले लिए हैं यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जैसे मैंने थोड़ी सी किशमिश ले ली हैं, थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते, इनको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। तो इसी टाइम पर हम इसको डालेंगे, जिससे कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाएँ। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो जितना मैंने चना की दाल ली थी उतनी ही हम इसमें चीनी डालेंगे। उसी कटोरी से हम इसका मेजरमेंट करेंगे। इतनी चीनी इसमें आराम से डल जाएगी जब ही अच्छे से मीठा हो पाएगा।
अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी कम भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। तो चीनी को भी अच्छे से इसमें मिला देंगे। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसमें चीनी डाली है ये थोड़ा सा पानी छोड़ जाएगी, यानी कि जो बैटर है थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ये देखिए जो बैटर है थोड़ा सा पतला हो गया है। तो अभी जो बैटर है थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो अभी हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए, यानी कि ये अपने आप से कढ़ाई ना छोड़ने लगे, जब तक हमें इसको पकाना है इसी तरह से चलाते हुए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में, सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं। तो लगातार चलाते रहना है, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे ताकि तले में चिपके ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। अभी आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से कढ़ाई छोड़ने लगा है और इसमें से हल्का हल्का सा ऑयल भी सेपरेट होने लगा है, काफ़ी अच्छे से साइन भी आ गई है इसमें। बहुत ही परफेक्ट हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, कितना बढ़िया दानेदार हलवा बना है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनके तैयार हो गया है। गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी हलवा बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो अब हम इसके थोड़े से पिस्ते से इसकी गार्निशिंग कर देते हैं, जिससे कि देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है फ्रेंड्स, आपके घर में ये बच्चों बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपने देखा ही है कितनी कम चीज़ों से ये बन के तैयार हो गया है। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपके घर में काफ़ी ईजिली मिल जाती हैं, और हमारा बहुत ही टेस्टी हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।